हेलो, क्या बोलती है चेन्नई की पब्लिक? किसी के साथ मैं सरफराज अंसारी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने नई चेन्नई चैंपियन के छठे टूर्नामेंट के फाइनल मैच में, जो बिना मार मैच में हो रहा है। अभी तक इस टूर्नामेंट में पॉइंट्स वाइज सबसे ऊपर टीम रॉक, सेकंड पोजीशन पे सेवन राइट और थर्ड नंबर पे पॉइंट वाइज हैं टीम एंड्स। अब देखते हैं कौन सी टीम अपनी पोजीशन पर रख पाती है और कौन सी टीम अपनी पोजीशन छोड़कर आगे की तरफ जाती है, सॉरी पीछे की तरफ जाती है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन सी टीम अपनी पोजीशन बनाने की इनके पोजीशन छलती है बाकी टीम। सबको गुड लक और ऐसे ही बात खेलने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। अच्छा, आप लोगों को बता रहा हूँ, हाँ मैंने इससे पहले भी बोला है कि भाई जब इतनी आप लोग मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो मेरे को व्यू का जो परसेंटेज 55% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब्ड है और 45% जो है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो लोग वीडियो देखते हैं कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ कि आने वाले वीडियो में हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आएगा और कुछ ना कुछ तरह की जानकारी। इसी के साथ एक एक करके सारे काम खोलना शुरू कर दूँगा। उठ रहे हैं सारे लोग एक एक करके। आज का जो प्लेन है, जो जहाज है पबजी वालों का, तो वो बीचों बीच गए। इसी के साथ में 64 बंदे 17 टीम्स मैच में एंटर हुई। कुछ टीम्स के तीन तीन बंदे एंटर हुए, तीन टीम्स के तीन बंदे ही एंटर हुए, बाकी सारी टीम्स प्रॉपर अपनी जगह हुई थी। सो चार टीम। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी टीम कहाँ पर जाती है। ये टूर्नामेंट की पोजीशन वन पे टीम है और इनको जल्दी से निपटा दो कोई और इनकी जगह छीनते हैं हम लोग। ये देखो थोड़ा सा ना ये नेट इशू, ओके डेटा पे स्विच करते हैं हम लोग। चलो आगे डेटा पे थोड़ा सा ग्लिच होगा और उसके बाद हम वापस मैच में आ जाएंगे। ये रहा लोडिंग, बाइक खत्म हो जा भाई, हो जा यार। इसी के साथ यहाँ पर शायद लड़ाई की आशंका दूसरी टीम से, यहाँ पर बाजू में पेशू आर्मी है। इसी के साथ में टेसू आर्मी का शायद अन्ना उनके साथ भिड़ंत होगा। अब बाजू वाली बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। पहला किल एपिक्स आयान कहीं कर रहे हैं, कहां पर है जल्दी पहुंचो एपिक्स आयान। 30 नंबर टीम एसवीजी नावीद आसपास में कहीं इनके इनके एक बंदे को जस्ट उन्होंने किल किया, रोशन 2311। ये वाली टीम सेवेज है, ये भी इनका प्रदर्शन भी हर मैच में अच्छा रहा है टीम सेवेज। और इन्हीं की टीम में दूसरी सेवेज एलाइट्स टीम एंड्स की फाइट हो रही है, टीम एंड्स की फाइट हो रही है। ये एंड्स की टीम बैड के साथ में लड़ाई हुई है, टीम बैड के एक बंदे को अजीज इन्होंने नॉक कर दिया, दूसरा बंदा इनका खुदा जैकलाला उसको भी ख़त्म कर दिया। बहुत बढ़िया एंड्स हल्क का, एंड्स हल्क ने फाइनली जैकलाला को ख़त्म कर दिया। हम लोग यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ। टीम कौन सी टीम थी? अरे चल भाई, इनके आसपास में कोई दूसरी टीम नहीं, हमको यहाँ से गुजर के कहीं और देखना पड़ेगा। अच्छा, तो टीम भिवंडी जो सबसे निपटी है उनके लिए एक शायरी। मेरी आँखों में आंसू नहीं बस कुछ नमी है, मेरी आँखों में आंसू नहीं बस कुछ नमी है, वजह तू नहीं ये तेरी कमी है। टीम बैड बहुत अच्छा खेली, आप टूर्नामेंट में अलविदा कहने वाले सबसे पहली टीम, इसीलिए आपके लिए एक तड़पता फड़पता शेयर अर्ज किया था हमने।
लाइक जरूर करना जिसको इसको पसंद आएगा भाई लोग, नहीं तो देखो सबको ना पट से हेड छोड़ देगा तुम्हारा भाई। आ सकते हैं भाई हमारी टीम के, टीम मेचे ने क्या कर रही है, टीम एच एन ए में क्या नाम है अश्विन एम जी आर भाई जो हमारे एच एन ए के एडविन सदस्य हैं वो भी आज खेल रहे हैं। वो आज स्पेक्टेट में ना रहते हुए वो आज एच एन ए में खेल रहे हैं, आज उनको खेलने का मन कर रहा था। और हमारे टीम के एक बंदे टीम रिशु जो नहीं थे, जो नहीं खेल रहे इनकी वजह से उनको खेलना पड़ा। चलो 16 टीम्स बची है अभी भी, एक टीम पूरी तरह से ख़त्म है टीम बैट की, 59 बंदे अभी भी मैप में। मीरामार मैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हम लोग ना आज एक काम करते हैं, आज थोड़ी सी टिप्स पे बात करते हैं। ये कौन सी टीम है जो ले रही है अभी, राल फिर होगा। ओके टीम एम सी यू, टीम एम सी यू, टीम एम सी यू के एक बंदे को केसो आर्मी ने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से एम सी स्कल को। उनके बिल्कुल बगल में टीम 25 रॉक टीम भी है, देखते हैं। रेड स्टार राशिद गुसे हैं, उनके बिल्कुल बाजू में दूसरे बंदे हैं इनके, इन्होंने ख़त्म कर दिया उनको। अब्रार 8149 ने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, ख़त्म कर दिया। राल्फ डिसोजा फ्लैंक मार के बाजू से आ रहे पोजीशन लेते हुए, देख पाते हैं कुछ कर पाते हैं क्या राल्फ डिसोजा। बट वहाँ पर टीम अननाउन पहले से मौजूद है, या टीम अननाउन के सामने से अगर गुजरे तो वो छोड़ेंगे नहीं उनका, वैसे ही इस पर ये इसी के साथ में अननाउन के टीम रॉक के रॉक तरह ने ख़त्म कर दिया। और अब देखते हैं टीम रॉक को इनके बाजू में जो फूल फूट बंदा टेसू आर्मी का लीडर, इसी के साथ में टीम रॉक ने उनके उसको उनके ऊपर पुश कर दिया। और देखते हैं क्या वो अपने आप को बचा पाते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म कर दिया शाहिद को पूरी तरीके से, ख़त्म कर दिया रॉक डिक्टेटर ने। टीम एंड्स की फ्यूरी ने जस्ट जीसू को मारा, टीम एनमिटी के उनको हम लोगों ने क्लिक किया बट देख नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं निकल गए उनके दो बचे हुए बंदे वहाँ से, यहाँ से निकल गए। तीन ही बंदे इंटर हो पाए थे वो लोग, बैटमैन जीशू एंड बैगन। आज निको एच एन उनके लीडर एनमिटी के लीडर हैं, वो नहीं आ पाए। अच्छा मैं आप लोगों का आज थोड़ी सी एक स्क्वाड हाउ टू क्रिएट परफेक्ट स्क्वाड पे एक थोड़ा सा ज्ञान देने जा रहा हूँ। जमे तो रखो, नहीं जमे तो उठा के फेंक दो, किसी भी कहाँ कोई किसी की सुनता, सब अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं। जैसे कि पहली मरतबा में आप लोगों को मैंने बोला था कि हर टीम का एक आईजीएल होना कंपलसरी होना चाहिए। एसवीजी तरुण ने जस्ट किसी को किल किया है, नहीं पढ़ पाए। बैटमैन ने एसवीजी तरुण को किल किया, किल नहीं किया, नॉकआउट किया, देखते हैं। हाँ पूरा ख़त्म कर दिया पहुँचने से पहले। और मेगन को बचा रहे हैं एसवीजी, टीम सेवेज भी अपने बंदे को बचा कर उनके पास पुश कर रही है दूर है बंदे। हाँ तो हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वाड, पहली बात तो आप लोग एकदम ध्यान दो कि एक बंदा आईजीएल ग्रुप लीडर होना ही चाहिए। एक बंदे को लीडरशिप दे दो, वो बंदा जो बोलेगा उसकी बात बात सुनो। वो बोलता है भाई आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो, वो बोलता है पीछे मुड़ो पीछे मुड़ो। ऐसा नहीं कि अगर लीडर बोल रहा है कि आगे चलो, आप बोलेंगे नहीं भाई बंदा सामने है मार के चलते हैं, लीडर ने बोल दिया फाइनल। तो पहली बात तो लीडर को रिस्पेक्ट दो पूरी तरीके से, उसकी बात का ख्याल रखो, वो जो बोलता है उसकी बात को सुनो। दूसरा होता है जो टीम में जबरदस्त बंदा होना चाहिए रशर, जो रश करे पुश करे उसमें एक्सपर्ट हो, उसको हर तरह की एयर गन में एक्सपर्टाइज हो। वो बंदा हमेशा किसी भी तरह की सिचुएशन में एयर में माहिर होना चाहिए। उसको आप रशर का खिताब देकर उसको अपनी टीम में रखो और ऐसा एक बंदा आपके साथ हमेशा रखो। तीसरा बंदा होना चाहिए सपोर्ट, जो बंदा सिर्फ सपोर्ट को कवर फायर में जबरदस्त आपके कॉल को टाइम से फॉलो करे, आगे पीछे वगैरह सब देखकर रशर को अपना काम करने दे और रशर का सपोर्ट करे और लीडर को हम से बजा सकते हैं। चौथा बंदा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा स्नाइपर, हर मैच में स्नाइपर होना कंपलसरी, हर स्क्वाड में एक स्नाइपर होना कंपलसरी।
क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी पिछले कुछ मैचों में हमने नोट किया कि कई जगह पे स्नाइपिंग भी हो रही है। और सो नॉर्मल मैच हो, टूर्नामेंट हो, या आप कहीं पर भी खेलो, स्नाइपिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लड़ाई सेम टू सेम सामने सामने नहीं होती, कुछ लोग अलग बिल्डिंग में होते हैं, कुछ लोग पहाड़ के पीछे होते हैं, कुछ लोग कहीं पर होते हैं, तो स्नाइपिंग आनी चाहिए। तो इसी के साथ में स्नाइपिंग जो है, स्नाइपर एक बंदा होना चाहिए, तो टोटल चार बंदे होगा, लीडर, रश करने वाला रशर, सपोर्ट में हमेशा सपोर्ट देने वाला सपोर्टर, और एक स्नाइपर। अच्छा, इसी के साथ में ये चार बंदे अगर आपके साथ में है, पहली बात तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लीडर के बाद सुने बगैर खिचड़ी नहीं कर रहा, जो मैंने आपको पहले बताया था, खिचड़ी नहीं बनानी है, अपने को हलवा नहीं बनाना है, अपने को सिर्फ बनाना है एक परफेक्ट स्क्वाड। तो लीडर की बात सुनना कंपलसरी, लीडर की बात कोई सुनता नहीं। मैं तो हैरान होगा, मैं आज तक जितने भी मैच खेलता हूँ एक हमेशा एक बात नोट किया हूँ कि कोई भी टीम में लीडर को कोई वैल्यू देता नहीं, सबको लगता है कि मैं लीडर, मैं जो बोलता हूँ वैसे क्यों नहीं किया। हाँ, हो सकता है कभी कभी लीडर की कॉल गलत हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक तो लीडर, दूसरा बात करते हैं हम लोग पोजिशन वाइज किसको क्या करना है। जब भी आप किसी पे रश करो या कुछ लीडर की तरह देखा, आप लोगों को कौन कौन देगा और आप लोगों को लीडर को आपको हमेशा रखना थर्ड पोजीशन पे, सबसे पहले रशर जो कि पहले ही एक्सपर्टाइज है, उसकी हर एयर गन में आगे घुसेगा, और उसके पीछे सपोर्टर, जो रशर के आगे पीछे ध्यान रखेगा, अगर रशर आगे निकल जाता उसके पीछे कोई बंदा है तो उसको संभालने के लिए सपोर्टर भी से गन में एक्सपर्ट होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने से क्या नहीं मिलता, टीम एच एन ए का टीम एंड के साथ भिड़ंत हो गई, और इसके साथ में टीम एंड्स के दो बंदे को एच एन ए वालों ने मार दिया, और एंड्स के दो बंदे नॉकआउट है, अश्विनी और संसाद मैप में अभी भी खड़े हुए, एंड्स हल्क, एंड्स बाबा और एंड्स हल्क अभी भी मैच में, और शायद ये अश्विन भाई पे पुश करेंगे, नसीम को नॉकआउट कर दिया है, नसीम के लिए खैर। चांद का मिजाज भी नसीम, चांद का मिजाज भी तेरे जैसा है नसीम, जब देखने की तमन्ना होती है नजर में नसीम के नॉकआउट होने में चैरिटी हो गया। हर बार ये सभी बता रहे हैं भाई, मैं एक दूंगा आप लोगों को पक्का के लिए। और इसी के साथ ये अगर ऐसे नहीं किसी वजह से ख़त्म होती तो उसके लिए एक और है, देखते हैं टीम एच एन ए बचा पाते हैं। संसाद को भी नॉकआउट कर दिया है, तो टीम एच एन ए का सिर्फ अश्विन भाई और नसीम, नसीम सामने से नसीम को 1 HP कर दिया है एंड्स बाबा ने, एंड्स बाबा के सामने अश्विन भाई भी बाहर, इसी के साथ में एंड्स बाबा ने एंड्स हल्क ने नसीम को ले लिया, और एंड्स बाबा ने अश्विन भाई को ले लिया, बाकी दो नॉकआउट थे वो ऑटोमेटिकली सो गए। रोकथन की लड़ाई हो रही है सेवेज के साथ में, जल्दी पहुंचो भाई वहाँ पे, लाइक अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था भाई यार, हाँ हम लोग एक परफेक्ट स्क्वाड के बारे में बात कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वाड तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा टीम एच ही नहीं बढ़ गई, उसकी एक शायरी भी गलती ना, आज कुछ कमी है तेरे बगैर, ना रंग है ना रोशनी है तेरे बगैर, वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, बस धड़कन सी थमी है तेरे बगैर। टीम एच एन यार थोड़ा सही खेलेगा, तुम लोग मेरे क्लान के बन गए यार, मैच में करवा रहा हूँ यार, तुम्हें एक मैच भी जीतते नहीं आ रही क्या यार। और टीम एंड्स भाई, टीम एच एन को मारने के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया खेला, मैंने जैसे कि कल रश को भी बोला था, टीम रश को, टीम एच एन को मारते हैं तो भाई, वैसे तो आप ऐसी बात नहीं कि टीम एच एन वाले ख़राब खेलते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, टीम एच एन वाले बहुत अच्छा खेलते हैं भाई लोग, नहीं तो कहीं टीम एच एन वाले ये वीडियो देख के नाराज़ ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, टीम एच एन हार्ड लक, टीम एच एन के लिए एक और स्टोरी, उनका मोरल हाई करने के लिए, मोरल, अच्छा मोरल ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, मोरल या मोरल, चलो ठीक है उसको सीख लेंगे।
तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो टीम एच ने आप लोगों को अच्छा खेलना है नेक्स्ट टाइम से प्लीज़। और आप लोगों को इसी के साथ में टीम रॉक के दो बंदे कहाँ मर गए, मैंने देखा ही नहीं था इनको यार। चलो कोई बात नहीं, टीम रॉक वैसे भी अच्छा खेली है और आज मेरे ख्याल से आज तक अभी तक जी उन्होंने जितने खेल कर दिए उस हिसाब से टूर्नामेंट विनर तो है ही, क्योंकि टॉप 13 तक पहुँच ही गई है, 110 पॉइंट्स हैं उनके ऑलरेडी। तो यहाँ पर टीम भिवंडी के पास में अच्छा ये लोग ड्रॉप को हंट कर रहे हैं, शिकारी बनकर बैठे हैं टीम भिवंडी। साजिद भाई कर लो शिकार, कौन सी टीम है सामने आसपास में देखो भाई लोग कोई है क्या। अच्छा खुद बोले लूटने गए, टीम 25 है। ये लो सेफ खेलना चालू कर दिया इन्होंने, आर के रैम्बो ऑलरेडी कोई लूट कर जा चुका है ड्रॉप को, सेकंड हैंड माल उठाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करो। 13 टीम 42 बंदे अभी तक बचे हुए हैं, 16 मिनट हो चुके हैं मैच शुरू हुए। ये है टीम अचानक भयानक, रवि भाई की टीम। रवि भाई हमारे ऑफिस के कलीग हैं, अभी तक अचानक भयानक ने कुछ खास कार्यक्रम करके दिखाया नहीं अपने को। तो रवि भाई से भी हमारी गुजारिश इल्तिजा है कि आप थोड़ा अच्छा खेलें और अपने क्लान का नाम ऊपर पहुंचाएं। बयालीस बंदे, 13 टीम, 24, 21, 17 पूरी तरीके से ख़त्म। 21 HNA की टीम थी भाई, बाय बाय HNA, तुम्हारी मैयत पे सलूट एंड्स वालों को। चलो मैं भाई लोग में मजाक करता हूँ, तुम लोग सीरियस मत लिया करो, सभी को हमारी टीम तो सीरियस लेती नहीं। तुम लोग कोई दूसरे बंदे भी कर अगर कभी मजाक में कुछ बोल दिया तुम्हारे बढ़ने की वजह से तो टेंशन मत लेना, अपन खाली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट बनाने में हो सकता है ज़बान इधर से उधर हो जाए और मैं कुछ बोल दूँ तो बर्दाश्त कर लेना भाई, तुम्हारा छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के। टीम एपेक्स ये भी बहुत बढ़िया टीम है, बहुत अच्छा खेलती है, बट इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। एक मरतबा टीम एपेक्स से कुछ बंदों ने ज़बरदस्त पावर के साथ में मिलकर एक मरतबा चिकन डिनर मारा था, पहला जो पेड मैच था वो इन्होंने जीता था। वैसे टीम एपेक्स के ही कुछ बंदे ब्रदर्स पावर में खेल रहे हैं अभी भी, ब्रदर्स पावर अभी है शायद, मरी नहीं है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ स्क्वाड के बारे में बताया, तो समझ गए ना आप लोगों को स्क्वाड की बात माननी है, ठीक है। तो और बाकी क्या बोल रहा था मैं, गेम इम्प्रूव करने के लिए टीम एनवेट पे हमला, बैटमैन टीम मेगन ने जस्ट पूरा किसी को किल किया और ऊपर आ गई अपने बंदे को बचाने के लिए। ईगल सामी सिचुएशन का मुताला करते हुए आप कोशिश करेंगे पुश करने की, इनको नहीं पता कि ऊपर दो बंदे हैं अगर और एक बंदा नॉकआउट है पता पुश कर देते हैं तब तक। इसी के साथ वापस बाहर गए हैं, शायद ग्रेंड करेंगे। बैटमैन को इन्होंने वापस अपने पैरों पर कर दिया जो अभी तक घुटनों पे थे, और इसी के साथ बहुत बढ़िया गेम चल रहा है। लविजा व्हाट आर यू सीइंग, मैच चल रहा, डिस्टर्ब नहीं है, ओके। इधर इधर एक बात बोलो,
बोलो ऑल टीम्स ऑल टीम्स वेलकम टू एच एन ए गेमिंग गेमिंग। बाय बाय, बाय बाय, चलो कल्टी मारो। टीम स्काउट हंटिंग कर रहे हैं M24 के साथ में, टीम एपेक्स नहीं है, टीम ब्रदर्स पावर की। देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या कर पा रहे हैं ये लोग। सारी टीम्स बढ़िया खेलती है अभी तक। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, टीम सेवेज एलाइट्स ये वाली टीम टूर्नामेंट में सेकंड पॉइंट टेबल पॉइंट में सेकंड है, इनको चाहिए कि ये अपनी टीम को बचाकर लास्ट तक ले जाए। ओके ओके बढ़िया है सब लोग अपने अपने तरीके से बढ़िया खेल रहे हैं और सब लोग बढ़िया खेलते हैं भाई लोग। वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है जिसका जो बंदे जिन बंदों का गेम इम्प्रूव रहता है, जो लोग तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और बाकी जो बंदे थोड़े से अब भी नए हैं जो सीख रहे हैं या मिडल टाइप में है, मिडल में है जो लोग सीख चुके हैं बट सही तरीके से अपनी टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते, उन बंदों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इम्प्रूव करो आपको सारे और मतलब किल लेना नहीं होता है, इम्प्रूव करने का मतलब होता है चिकन डिनर होना नहीं लेना होता है, इम्प्रूव करने का मतलब होता है अपने मैप को जानना, अपने गेम को जानना, अपने टेक्निक्स को जानना, अपने टेक्निक्स का प्रॉपर सही जगह पे प्रॉपर यूज़ करना, और हो सकता है टेक्निक का यूज़ करते वक्त आप वापस किल हो गए, सामने वाला बंदा की टेक्निक आपसे बेहतर हो तो वो आप लोगों को मार सकता है इसलिए। जैसे कि यहाँ पर कई मरतबा आप लोग रियल फाइट जो होती है एयर टू एयर, जैसे कि एच एन एवर से एंड्स हुई थी उसमें नसीम भी बहुत बढ़िया खेले, बाकी सारे बंदे अच्छा खेले, उन्होंने दो बंदे को मार पाए बट टीमेंट्स की टेक्निक टीम एच एन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और इससे पहले भी मैंने कई मरतबा टीम एच एन टीम एंड्स लड़ी थी, कई मरतबा ऐसा होता था कि टीम एंड्स वालों को एच एन ए ने ख़त्म कर दिया, तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। वैसे आपको ब्लैक शार्क टीम फ्रेंड बॉय के नॉकआउट पड़े हुए हैं और यहाँ पर शुरू हुई है दो या तीन टीमें शायद यहाँ भिवंडी के दो बंदे किल, एक बंदा नॉकआउट, कोशिश करेंगे बचाने के लिए इसको। इनका नाम है बिना नाम वाला आदमी, ये भाई अपना नाम बता दो यार तुम मेरे को कमेंट करके। इनके टीम के जो लीडर है साजिद, साजिद भाई आप मेरा वीडियो देखते हो आप मेरे को इनका नाम बता दो ताकि मैं इसको आज के बाद बिना नाम वाला आदमी ना बोलूँ। हाँ और इसी के साथ में कौन कौन सा टीम है, एंड्स एंड्स की टीम यहाँ पर है, एंड्स के दो बंदे हैं और इसके साथ उन्होंने एपिक्स हुंजू को नॉकआउट किया शायद अभी या पहले से नॉकआउट पड़े थे देखा नहीं मैंने। किसी ने फ्लेयर मंगाया, इतनी उलझन उलझन में भी कोई फ्लेयर मंगा सकता है बताओ, सारे के सारे खिलाड़ी जबरदस्त है टीम। इसी के साथ में टीम ब्रदर्स पावर को टीम एंड्स ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उसमें थोड़ा बहुत हाथ ब्लैक टीम ब्लैक वालों का भी था जिनका नाम फ्रेंड बॉय है, ATF की एक बंदे को गाड़ी के साथ उड़ा दिया टीम गाड़ी से, कोई पता नहीं चाहिए कि हम गाड़ी से मरते हैं गाड़ी पर मरते हैं और गाड़ी पर जाते हैं तो आपको रिवाइव का ऑप्शन नहीं आता, भले ही आपके बंदे चिंता हो आप सीधा पूरा किल हो जाते। और उसी तरह आप अगर नॉकआउट होकर पानी में भी गिरते हो तो भी आप सीधा पूरा किल हो जाते हो आपको। इसी के साथ में टीम भिवंडी को ख़त्म कर दिया है, बिना नाम वाले आदमी को ख़त्म कर दिया है टीम ब्लैक ने शायद, कौन सी टीम थी यार मैं देख नहीं पाया यार, मैं बोलते बोलते इतना गुम हो जाता हूँ ना। 11 टीम 32 बंदे, टीम ब्लैक वाले थे सॉरी, वहाँ टीम ब्लैक नहीं था उसको जो मारा था, टीम ब्लैक के 4 किल, एक बंदा खो दिया अपना
अफजल खत्म। भाई बंदा बचा था, अफजल मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके प्रसाद गुरु टीम, अचानक भयानक, इनकी टीम का नाम मेरे को बहुत पसंद है, अचानक भयानक कर टीमेंट्स। प्लेयर लूटते हुए थोड़ा सा गेम को स्पीड अप करते हैं, मोबाइल हैंग हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि इतने छोटे से जोन में इतने बंदे आ गए हैं, थोड़ा सा पिंग इशू होने लगा है। पिंग इशू तो नहीं हो रहा बट थोड़ा सा लैगिंग इशू हो रहा है। एंड सल्क नॉक आउट, बचा नहीं पाएंगे शायद एंड्स बाबा, उनको बचा लेंगे बचा लेंगे। इनके ही बिल्कुल बगल में एक और बंदा नॉक आउट पड़ा था, देखते हैं कौन था वो। वो राइट साइड में ये है एपिक्स आया, ये नॉक नहीं, नॉक नहीं है, एक जन की तरफ भाग रहा है अपने आप को रिवाइव करते हुए, रिवाइव मतलब हील करते हुए। ये भागते भागते हो गए खत्म अपने आप को पूरी तरीके से, उन्हें एपिक्स आयन के मरते ही ब्रदर्स पावर अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब देखना है, स्काउट ने जस्ट किसी को टी सी एस किसी बंदे को नॉकआउट किया, टी सी एस टी सी एस ये रही टी सी एस। सॉरी टी सी एस को नहीं दिखा पाए, और ये रही है टेसो आर्मी को रॉक के दो बंदों ने ख़त्म कर दिया। टेसो आर्मी पूरी तरह से ख़त्म, दो बंदे बचे थे टेसो आर्मी के और दो टीम रॉक के भी थे। रॉक डिक्टेटर ने उनको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल बगल में एक टीम जा रही है आदमी से, रस कर सकती इनके ऊपर, रश नहीं किया उसने वहाँ से गए। कौन सी वो टीम 16 शायद, टीम 7 लाइट्स है। हाँ ये यहाँ पर टीम एपेक्स, टीम एपेक्स के बिल्कुल बगल में से गुजर रही है 7 लाइट्स, बीच में आ रही है ये 7 लाइट्स। इनको पता नहीं है राइट साइड में बंदे हैं पीछे की तरफ जोन की तरफ, ये एज टू एज खेलने की कोशिश कर रही है बट पीछे से इनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और इनको बीच में सैंडविच कर दिया जा सकता है। देखना अब ये है कि हम टीम 7 लाइट्स को कम से कम अपने पॉइंट्स बचा कर आगे भी कर पाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर इनको चाहिए अगर इनको टॉप 3 रहना है, तो देखते हैं ये रह पाते हैं क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहे किंग हर्सू और ये टी सी एस के बंदे के साथ में अभी तक पोजीशन इसको पहन लिया, देखते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। और अभी तक 8 टीम 16 बंदे, प्लेसमेंट प्लेसमेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से सेवेज और सेवेज राइट के लिए। पूरी ये रही टीम सेवेज एलाइट्स, शार्क नॉकआउट कर दिया, ये ख़त्म कर दिया ब्लैक शार्क ने। अच्छा स्नाइपिंग की थी, मैं आपको बता रहा था इसे एक स्नाइपर होना चाहिए, देखने इतनी ज़बरदस्त स्नाइपर स्किल ऐसे सबके पास होना चाहिए। एक एक बंदा एक रश करने वाला होना चाहिए, एक स्नाइपर होना चाहिए, अपनी अपनी टीम में एक बंदा बनाओ, और नहीं है तो आज मेरी कमेंट्री सुन लो और अपने टीम को सुधारो। अगर आप लोग अभी तक ऐसा नहीं करते हो तो एक आईजीएल बनाओ, हर बंदे को एक एक काम थोप दो, भाई ये तू ही करेगा, ज़रूरत पड़ने पर हम भी करेंगे बट फिलहाल तो ये तू ही करेगा। ये इसी के साथ में टीम टी सी एस की, यहाँ पर एक बंदे ख़त्म हो गए और दूसरे बंदे को एंड्स हल एंड्स बाबा ने मारा, बाबा ने उनके पूरे बंदे को मारा। और अब देखना है 7 बंदे हैं गेम में, 7 टीम बची हुई है, 16 बंदे हैं, 15 बंदे बचे। यार यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन कब किसको मार रहा है समझ नहीं पा रहा। ये है डिक्टेटर, टीम रश को किल कर रहे हैं, टीम रश को प्लेसमेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी था। टीम रश ने फाइनली अपने बंदों को शायद बचा लेंगे, एक या दो को तो बचा लेंगे, और उसी के साथ में स्काउट ने दूसरे को किसी और ने एसवीजी सुरुतु को किसी और ने किल किया, पता नहीं अब उनके कोई इतने बंदे बचे हैं। चलाओगे बढ़ते सेवेज लाइट्स अभी शायद बची होगी, बस टॉप 3 आना है, टॉप 3 आना ही पड़ेगा अगर आपको। वाह वाह वाह, ईगल सामी का बहुत ज़बरदस्त नेड और टीम ब्लैक के गेंद को नॉकआउट कर दिया, और उसके रश करने में रश करने की तरफ जा रही है, शायद रश कर देंगे, रश कर दिया। ये रहा टीम ब्लैक के दो ही बंदे बचे थे, देखते हैं मार पाते हैं या मर जाते हैं। वाह वाह वाह, वाट अ फुटवर्क, और उसी साथ में ईगल सामी ने 2 किल बढ़ाते हुए टीम ब्लैक को पूरी तरह से ख़त्म। ब्लैक नहीं यार, उसका नाम ब्लैक क्लान के बंदे हैं, वो टीम का नाम ब्रेक फ्रेंड बॉय रखा हुआ उन्होंने। चलो इसी के साथ में मैप में 5 टीम बची हैं, टीम ड्रीम प्लेयर्स एंड्स एपेक्स सेवेज लाइट्स और रश।
सेवेज लाइट और रश, नहीं रश, हाँ रश, अभी जस्ट रश को ख़त्म कर दिया किसी ने, और जस्ट अभी नीचे किल फिल्म लिखा था, नेहा को किसी ने जस्ट किल किया। तो अब देखते हैं फिर कितने बंदे बचे मैच में। हाँ जस्ट नेहा पीली जोन से मर गई, पर कहाँ पर नहीं देख पाए जी। निंजा ये भी टीम रश के बंदे थे, ये भी जोन से मर गए, उसी के साथ 8 बंदे। टीम सेवेज लाइट्स अभी तक अपना पोजीशन बना रखे हैं। सेवेज लाइट को टॉप 3 लाना पड़ेगा। सेवेज लाइट अगर थोड़ा सा अगर ईगल सामने, सेवेज लाइट पूरी भाई बोले इसी के साथ उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी थी, और स्काउट टीम को AWM से हेडशॉट देते हुए ख़त्म कर दिया। और अभी मैप में सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं, 3 टीम बची हुई है और 6 बंदे टीम ड्रीम प्लेयर्स के, 3 बंदे एंड्स का एक बंदा, और शायद टीम एपेक्स के 2 बंदे। पोजीशन तो लगभग सबकी जोन ही है, देखते हैं कौन किसको बात बताए। ईगल सामी को यार अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहिए, उनको तो थर्ड में आना चाहिए था। अगर वो थर्ड पोजीशन पर आ जाते ना तो शायद शायद उनके लिए थोड़ा अच्छा होता। अपनी पोजीशन नहीं देनी चाहिए थी उनको। चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन वाइज गलती तो हुई थी, मैं जैसे कि बताया था कभी कभी कॉल में गलती हो जाती है, बट फिर भी उस उन गलतियों को सीख कर अपनी गलतियां सुधारो। और उसके लिए एक और मैं एक तड़कता पड़कता शेर अर्ज है आप लोगों के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी के साथ में जैसे शेर ख़त्म हुआ, वैसे टीम स्काउट ने फाइनली टीम एपेक्स के बंदों को मारकर अपनी पोजीशन वन पे आकर टूर्नामेंट पॉइंट पे शायद ये अब थर्ड पे